discussed about the entropy and what lattice energy. In lattice energy, we had discussed about the different how any compound is formed, and any atoms gets ionized, and in this case some energies are evolved or involved. Sum up all these energies are known as lattice energy. Okay, and we had also discussed about the entropy. Entropy, that is change, randomness, order. तो देखो जैसे जैसे एंट्रोपी, जैसे मान लो सपोज फॉर अ लिटिल टाइम इफ वी हैव ग्रेफाइट ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट चेंज इनटू डायमंड डायमंड मॉलिक्यूल्स इन ग्रेफाइट इज स्लाइटली फ्री व्हाइल इन केस ऑफ डायमंड इट इज क्लोजली पैक्ड हेंस द ग्रेफाइट एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट एंट्रोपी in case of graphite is more while in case of diamond is less. Means entropy tells us about the randomness, not closely packed. और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एंट्रोपी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट व्हाट एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन. एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन. अलग अलग फेस में एंट्रोपी क्या होगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, तो देखो हमारा पहला स्टेज आता है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन. एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन टेल्स अस दैट when change in entropy when one mole of liquid change in entropy when one mole of liquid vaporize into vaporize on boiling point. Changes to its vapor state at the same temperature. ठीक है, कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड वेपोराइजेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट एट द सेम टेम्परेचर. दैट इज डेल्टा एस व्हाट वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. S vapor minus S
लिक्विड, ठीक है, एस वेपर माइनस एस लिक्विड इज इक्वल टू, ऑल्सो वी कैन राइट एज डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी वॉट बॉइलिंग, टी बॉइलिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन टी बी, और ये रिलेशनशिप आपको याद रखना होंगे, ओके, कॉपी इट एंड वी विल डू, हैव कॉपीड इट ना, पॉज इट एंड कॉपी ना, our next point is, second is entropy of entropy of fusion, entropy of fusion. अब देखो entropy of fusion क्या होता है, ये कहता है कि change in entropy, पहले लिख लेते हैं, change in entropy change in entropy when one mole of a solid change in entropy when 1 mole of a solid at its melting point change in entropy when one mole of a solid at its melting point changes to the liquid state at the same temperature. ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एस फाइनल सॉरी नॉट एस फाइनल एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड, एंड यू कैन ऑल्सो राइट एज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, ओके, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड, वाई, बिकॉज आवर प्रोडक्ट विल बी लिक्विड, भाई फ्यूजन हो रहा है, चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड सॉलिड चेंज इट्स स्टेट इनटू द लिक्विड, एंड इन दिस केस लिक्विड इज आवर प्रोडक्ट, क्या होता है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, तो एस प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, लिक्विड, इसमें से हमने क्या कर दिया, सॉलिड को माइनस कर दिया, इट गिव्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखोगे, ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर,
I have a question here. Calculate the entropy change that is delta S. For the following reversible processes. और ये reversible process क्या हो सकता है? One mole of liquid water at 1 atm and at 100 degree Celsius evaporates to one mole of vapor. We have given delta H vapor for water is equal to 2257 watt joule per drum. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. कहता है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज मींस डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस. वन मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 1 atm एंड एट 100 degree Celsius evaporates टू 1 mole ऑफ वेपर. ठीक है, डेल्टा एच वेपर इज गिवन. सो आवर सॉल्यूशन विल बी, देखो इसमें जो गिवन है पहले हम क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं. तो गिवन क्या है? गिवन डेल्टा एच वेपर इक्वल टू 2257 जूल पर ग्राम, ये दिया हुआ है. तो एक ग्राम में बताओ इतना हो रहा है, तो H2O का बताओ मोलेकुलर मास कितना होता है? 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा? 18 मोल. तो 18 मोल में कितना होगा? इज इक्वल टू 2257 इंटू 18 जूल पर ग्राम. सॉरी, नॉट पर ग्राम, पर मोल. जूल पर मोल. और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना? 40626 जूल पर मोल. ओके, आफ्टर दैट टेम्परेचर इज गिवन. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है 100 degree Celsius. What we have to do? We have to convert into Kelvin. 100 plus क्या करते हैं Kelvin में convert करने के लिए हम लोग 273 add. क्या हो जाएगा? 273, we get 373 Kelvin. Okay? तो इसे जल्दी से आप लोग copy कर लो, इसके आगे हम लोग process करते हैं. Have you completed now? Pause it and complete. अब देखो, अब इसके बाद क्या हो सकता है?
कि डेल्टा एस वेपराइजेशन ये हमें निकालना है कितना होगा। कहता है डेल्टा एच वेपर अपॉन टीबी एंड हियर टीबी टीबी क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर। डेल्टा एच वेपर कितना दिया हुआ है हमारा 40626 सो वी राइट हियर 40626 अपॉन 373 ठीक है। अब जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा अप्रोक्स 109.6 परहैप्स। इट गिव्स 109.6 108.9 वॉट। ये हो गया जूल पर मोल और ये हो गया केल्विन। तो हम क्या लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन एंड दिस इज अवर रिजल्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और आपके सॉल्यूशन करने के लिए सीधा सीधा आपको पुटिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं ये दिया रहेगा या फिर आपको डेल्टा एच कवर करना होगा ठीक है। तो इस केस में आप आसानी से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। कॉपी कर लो इसको ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी हम लोगों ने समझ लिया कैसे चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं ये भी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे जब स्टेट फंक्शन हम लोग डील कर रहे थे उस समय एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव विल बी इंटेंसिव। वो सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस हो चुका है वो सब आप जानते हो। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिंक्ड विद द अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी सिस्टम में जितना वैल्यू किसी अमाउंट का दिया रहता है जो अमाउंट दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू पर ये क्या करती है डिपेंड करती है ठीक है। सेकंड एंट्रोपी जनरली चेंज इन स्पॉन्टेनियस चेंज एंड रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग दो दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को एक बार फिर से वॉच कर सकते हो जिसमें हमने दिया है स्पॉन्टेनिटी ओके। तो उसमें आप लोग देख सकते हो एक बार एंट्रोपी जनरली चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी कब इन स्पॉन्टेनियस चेंज एंड रिएक्शन ठीक है। नेक्स्ट द चेंज इन एंट्रोपी इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। देखो साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो क्यों हो जाता है भाई क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एक बार एक्सपेंशन होगा और एक बार क्या होगा कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल माइनस हो जाएगा एक केस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों को जब आप एड करते हो तो वो क्या हो जाएगा जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी भी क्या होगी जीरो हो जाएगी ओके। द चेंज इन एंट्रोपी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी जीरो। भाई इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा तो उसमें एंट्रोपी होगी ही नहीं। एंट्रोपी होने का मतलब क्या होता है डिसऑर्डर रैंडमनेस डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करता है एंट्रोपी। तो कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट अगर इक्विलिब्रियम में है तो कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं हो रहा है। यहां से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है ना प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहा है दोनों इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं। जब एक्सचेंज होगा नहीं तो रैंडमनेस नहीं होगा रैंडमनेस नहीं होगा तो एंट्रोपी नहीं होगी क्लियर। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी वहां पर जीरो हो जाएगी क्लियर है ना। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। ये तो आप जानते ही हो क्योंकि ये अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो भाई कैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन है। अगर पाथ पर डिपेंड करता कि ऑन विच पाथ इट विल गिव द डिसऑर्डर्स
अब इसका तो कोई पाथ फिक्स है नहीं, तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल टी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो कॉपी करो आप इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डील वन मोर क्वेश्चन विच इज स्लाइटली डिफर फ्रॉम दैट क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन। दिस इज गिवन एट 0 degree Celsius एट, चलो लिख लेते हैं, एट जीरो डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ये नहीं आ रहा होगा ना, वाटर आर इन इक्विलिब्रियम एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस H2 सॉलिड टू H2O लिक्विड H6.0 किलो जूल पर मोल। What we have to calculate? Calculate the entropy change for the conversion of ice into liquid water. Calculate the entropy change for the conversion of ice, for the conversion of ice into liquid. ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लो, लिखने के बाद कवर करो, तब तक थोड़ा मार्कर को हम नाश्ता देते हैं। देखो क्या दिया है हमारे पास, डेल्टा पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2O सॉलिड चेंज इनटू H2O लिक्विड। बताओ चेंज होगा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, तो इस केस में क्या हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड के केस में क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, मींस डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 6.0 किलो जूल पर मोल, 6.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू जूल पर मोल कितना आ जाएगा, 6 इंटू व्हाट 1000 किलो जूल को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, 6 into 1000 जूल पर मोल कितना हो जाएगा हमारा, ये 6000 जूल पर मोल। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। बताओ आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, आप लोग पढ़े हो या जानते हो, क्लास नाइन्थ में भी आप लोग पढ़े होंगे कि आइस चेंजेस इनटू वाटर एट 0 degree Celsius और वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 degree Celsius। मींस 0 degree Celsius क्या होता है इसका, क्या कहते हैं, 0 mile, मींस एसी पर 0 degree Celsius पर वाटर कन्वर्ट होता है आइस में भी और आइस कन्वर्ट होता है वाटर में भी। 0 degree से स्लाइटली अगर हम नीचे लेते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है,
वाटर चेंजेज इंटू आइस और स्लाइटली ऊपर जाते हैं तो इट चेंजेज इंटू लिक्विड, बट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स एट 0°C आइस चेंजेज इंटू वाटर ऑल्सो एंड वाटर चेंजेज इंटू आइस. वी हैड डिस्कस्ड ऑल्सो वन मोर पॉइंट दैट द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4°C, इसे आपको याद रखना होगा. खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर. तो बताओ टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारा, 0°C. 0°C को अगर कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट 0+273 केल्विन, क्या हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा. क्लियर है ना? ये समझ में आ रहा है? इसे हम क्या नाम दे देते हैं, फ्यूजन. क्यों नाम दे देते हैं भाई, ये फ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है ये सॉलिड टू लिक्विड. नाउ चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर फ्यूजन. बताओ कितना हो जाएगा ये डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, 6000 अपॉन 273. वेन वी कैलकुलेट इट वी विल गेट 21.98 जूल पर केल्विन. को थोड़ा ऐसे लिखते हैं K-1 एंड मोल पर मोल, एंड दिस इज आवर आंसर. मीन्स ये कहता है कि ऑन दिस टेम्परेचर 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल, ऑन दिस टेम्परेचर आइस चेंजेस इनटू लिक्विड. कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस चेंज आइस इनटू लिक्विड. मीन्स डेल्टा एस कितना हमारा आएगा, 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल. ओके थैंक यू, इसे आप लिख लो. और इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वन मोर एनर्जी दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th. ठीक है, ये एंथैल्पी एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, इसी में हम लोग देखेंगे हेल्महोल्ट्ज़, तो उस पर हम चर्चा कल करते हैं. ओके थैंक यू.